नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दत्त SV न्यूज़ इंडिया से। आज हम बैठे हैं हिसार के एक मशहूर एडवोकेट के पास, लाल बहादुर खोवाल, जिनका नाम एक बहुत बड़ी पहचान है और यह कई संस्थाओं और कई वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको पहले तो दिखाते हैं लाल बहादुर खोवाल जी के पास कितने अवार्ड कितनी संस्थाओं से मिले हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में पहले तो स्वागत है। थैंक यू। आज हम आपके पास आए हैं कोई नई बात पूछने, कोई नई चीज़ जानने। जो ये लॉकडाउन चल रहा है सर, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी काम, काफ़ी वर्क के धंधों के सारा कुछ बंद हो चुका है, तो इसके अंदर वकील के जो पेशा है, वकील पेशे के अंदर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो मध्यम वर्ग के वकील हैं, उनकी रोजी रोटी बंद हुई हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है जी, ये कोरोना महामारी जब से आई है और लॉकडाउन हुआ है, विशेषकर अभी भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अभी भी काम करने में असमर्थ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनमें से एक वर्ग वकीलों का भी है। बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी तक भी बंद हैं और केवल अर्जेंट काम ही होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वकालत में क्या होता है, जब तक कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं होंगे, आर्गुमेंट शुरू नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से कोर्ट नहीं लगेंगी, तो ये समझिए आप कि वकीलों का काम बिल्कुल बंद रहेगा, जीरो ही हम मानेंगे उसको। क्योंकि अर्जेंट काम में कोई ज़्यादा मोटी या कोई सही ढंग से कोई वकीलों को आमदनी के अकॉर्डिंग जो खर्च चलाने के हिसाब से फीस नहीं मिल पाती। बिल्कुल। और आपको ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है, वकालत के अंदर 70% के करीब वकील जो होते हैं वो केवल वकालत पे ही उनकी जीवनचर्या चलती है और वो डेली अपना कमाते हैं और शाम को अपना घर का खर्च चलाते हैं। उन वकीलों की आमदनी अब बिल्कुल जीरो हो गई है। और फिर स्टेटस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वकील एक ऐसी कौम है, वो लाइन में लग के ना तो राशन ले सकती है, ना ही सरकार जो गरीब लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो प्रोवाइड कराती है उस लाइन से भी वो बाहर होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको वो सुविधाएँ मिल नहीं सकती, मध्यम वर्ग के बीच में ही आ जाती है वो मिल नहीं सकती उनको। तो ये वकीलों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल डिपार्टमेंट का चेयरमैन होने के नाते भी मेरा एक कर्तव्य बनता है और मैं ये एक सरकार से भी मांग करता हूँ, हर हमारी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जब तक कोर्ट का काम प्रॉपर तरीके से नहीं चलता तो वो इनको महीने के हिसाब से घर खर्च के लिए पैसा दे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी मांग की भी ड्यूटी है और हमारी बार काउंसिल की भी ड्यूटी, इसकी मांग बार एसोसिएशन ने भी उठाई थी, कई वकीलों ने पत्र भी दिए हैं क्या उसके ऊपर कोई विचार हुआ? कुछ हलचल हुई, थोड़ा सा बार काउंसिल ने किया पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। जो निडी वकील हैं, कुछ वकील ऐसे हैं जो मांगने में भी गुरेज करते हैं, मांगना एक तरह से वो अपने आप की तोहीन मानते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका निकाला जाए हर ज़िले में सर्वे करा के वास्तव में जिन वकीलों को जरूरत है, जिनका काम धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है, तो उनको उचित सहायता मुहैया करवाना ये बार काउंसिल का भी दायित्व बनता है और हरियाणा सरकार का भी दायित्व बनता है। आप देखें जितने भी डेवलप कंट्री हैं, अमेरिका में आप देखिए जिन लोगों के उद्योग धंधे या जो सरकारी नौकरी पे थे या प्राइवेट नौकरी पे थे
उन सब लोगों ने अमेरिका में बाकायदा आवेदन मांगे गए कि किन लोगों के रोज़गार छिन गए हैं, और उसके बाद आवेदन आने के बाद $1200 पर व्यक्ति वहाँ एक तरह से उनको घर खर्च चलाने के लिए दिया जा रहा है। ये सरकार की ड्यूटी बनती है, ये हमारे संविधान में भी है कि सबको घर खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ किया सरकार उनको सहायता करे, बिल्कुल ये ड्यूटी बनती है। सर 1 जुलाई को कोर्ट खुलने के चांसेस हैं या नहीं? देखो चांस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि जो क्राउड वाले एरियाज जितने भी हैं उनको अभी सरकार नहीं खोलने जा रही, और जब तक ट्रायल शुरू नहीं होंगे तो उसका हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है कोर्ट खोलने का, क्योंकि चैम्बर जब तक नहीं खुलेंगे, जब तक कोर्ट में हीरिंग नहीं होगी, रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगी, एविडेंस नहीं होगी, तो कोर्ट काम हो ही नहीं पाता, होगा ही नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। केवल इंस्टीट्यूशन से कोई वकीलों का काम नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें क्लाइंट फीस भी नहीं देते प्रॉपर तरीके से, ना ही वकील सही ढंग से क्लाइंट से फीस मांग सकता है। जब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा तो वो नहीं हो पाएगा। कुछ संस्थाएं, कुछ स्कूल वाले मांग कर रहे हैं कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं ये खोल दिए जाएं, क्या ये उचित रहेगा? ऐसा है जी, स्कूलों को खोलना भी एक बहुत बड़ा खतरा लेना है। सरकार को इसके लिए है ना कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब ना हो, और ये कोरोना अगर बच्चों में फैल गया, स्कूलों में फैलने लगा, तो ये काबू नहीं आ पाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, वाईफाई सिस्टम हर शहर में लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, ऑनलाइन बिल्कुल एजुकेशन दें। हमारे टीचर्स हैं उनको भी मीनवाइल जैसे भी चाहे बेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको ट्रेनिंग दें, पढ़ाने का तरीका बताएं, भी ऐसे पढ़ाएं। बहुत से तरीके हैं, आज तो ज़माना कंप्यूटर का है, सारा नेट पे सारा सिस्टम बना होता है, केवल गाइड करने की ज़रूरत होती है। प्रॉपर तरीके से गाइड कर दें तो पढ़ाई भी बच्चों की ख़राब नहीं होगी और इस महामारी से भी बचा जा सकेगा। सर ये नगर निगम बने थे, नगर निगम बनने के बाद बताया था कि सारे शहरों को वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा, गांवों को कुछ गांवों को जोड़ दिया गया है, क्या ये गांव शहर को वाईफाई से जुड़ जाने चाहिए अभी तक? बिल्कुल जुड़ना चाहिए था, ये कार्रवाई तो तुरंत होनी चाहिए। यही तो सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है, सरकार ने समय रहते कोई काम नहीं किया। अगर आज हम देखें जिस तरह से यह महामारी फैली है और देश के हालात जो बने हैं, केवल और केवल ये सरकार का फेल्योर है, क्योंकि जब इस देश के अंदर आवाज़ें उठने लगी थी, राहुल गांधी जी ने एक पेशेंट जब हिंदुस्तान में नहीं आया था उस समय आगाह कर दिया था देश को कि आप है ना इस पे उचित कदम उठाएं और इस पे कोई ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि ये कोरोना भारत में ना फैलें। अगर शुरुआत में ही जो विदेशों से कोरोना पेशेंट आए उनको वहीं एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया जाता, वहीं उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता, आज देश में आपको एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं दिखाई देता। हमें पता होते हुए भी, हमें इस बात का इलम होते हुए भी इस देश में कोरोना को ये इस तरह से ये स्प्रेड हुई। अब तो ये कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, अब तो ये आप देखेंगे आने वाले टाइम में लाखों आदमी मरेंगे, हालात खराब होंगे देश के। सर आगे मॉल या सिनेमा घर से हैं ये भी खुल रहे हैं, क्या ये सही है, उचित है, ये गलत है? नहीं खुलना चाहिए, जहाँ क्राउड का एरिया है, जहाँ पॉपुलेशन, जहाँ एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग ना रहने वाली जगह है, उन पर अभी बैन रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसके बहुत बड़े खतरे होंगे, इसके लिए हम आने वाले समय में बड़ा हमें पछतावा होगा इस चीज़ का, अगर हम समय रहते नहीं चेते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको जनता से अपील करना चाहेंगे? मेरी जनता से अपील यही है कि प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएं, डिस्टेंस बना के रखें, लोगों को समझाएं, क्योंकि हमारे लोगों का एक सबसे बड़ा जो एक मैं यही कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि जब तक ये बीमारी घर में नहीं घुस जाती, घर का मेंबर जब तक इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो जाता, तब तक वो लोग ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं, लेकिन ध्यान देना चाहिए हमें। हमें ये सोचना चाहिए कि चाहे बेशक यहाँ नहीं, हमारे दूसरे शहर में भी कोई अगर कोरोना का मरीज था और वो उसका उसकी मृत्यु हुई है या उससे ग्रसित हुआ है, तो हमें उससे भी सीखना चाहिए
कि ये बीमारी हमारे घर में भी आने वाली है, बिल्कुल, ये दस्तक देने वाली है, तो इससे बचने के लिए हमें है ना इसके ऊपर है ना जरूर लोगों को जागरूक होना चाहिए और जागरूक हमें करना चाहिए। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है और आप लोग इसका बड़ा सही तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। खोवाल साहब ने बताएगी हमें इसे बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ये हमारे साथ थे हिसार के सीनियर एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल, धन्यवाद। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको।